चादरा दिल्ली की सबसे पुरानी दुकानों में एक, हीरा लाल एंड सन्स, जहां पिछले भाग में हमने बालूशाही और उसके इतिहास के बारे में जाना और वहां हमने पाया कि कई और जायके भी वहां उपलब्ध हैं, जैसे सुबह के नाश्ते के लिए बेड़मी पूड़ी सब्जी और उसके साथ साथ कई और मिठाइयां। कारखाने में बालूशाही तो बनती ही है, पर कई और चीजें भी बनाई जाती है कि सबसे पहले सबकी पसंदीदा जलेबी, जिसकी शुरुआत तो हुई जबलपुर में हरि प्रसाद बटकुल जी द्वारा 1879 में, पर अब वह एक ऐसा रूप ले चुकी है कि जिसके बिना मीठे के शौकीन अपने खाने को पूरा नहीं मानते। अभी जलेबी बन ही रही थी कि हमारी नजर एक और जायके पर पड़ी, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मा और भारत के साथ साथ नेपाल बांग्लादेश से भी जुड़ा, और यह है मालपुआ। यह भी एक पसंदीदा व्यंजन है और इसको मीठे के शौकीनों की जान भी कहा जा सकता है। रबड़ी और खीर के साथ तो इसके जायके में चार चांद लग जाते हैं। चाशनी में तैरते मालपुए, जिसको कि बादाम और पिस्ते के साथ सजाया गया था, उन्हें देखकर आप मुंह में पानी लाए बिना नहीं रह सकते। ये टाटरी का पानी थी। अच्छा। और ये आप क्या दूध फाड़ने के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ जी, दूध फाड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। और इसके बाद एक ऐसी मिठाई बनती देखी जो कि बंगाल की शान है। घरों में नींबू का इस्तेमाल करते हैं या नींबू का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, नींबू का नहीं होता। फर्क क्या है टाटरी के पानी में और नींबू वाले में? देखो जो नींबू का पानी अलग होता है, ये अलग होता है। ये बढ़िया चीज है, असली चीज यही होती है टाटरी। अच्छा, टाटरी से ही फाड़ा जाता है? हाँ जी, टाटरी से ही फाड़ा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दूध बढ़ चुका है। अब ये दूध से बनेगी सारी बंगाली मिठाई, जितनी बनती है वो इससे बनी है। अब जब तक दूध का पनीर तैयार हो रहा था, तब तक एक और रसगुल्ले के लिए चाशनी तैयार की जा रही थी। अंकल दूध फाड़ने के बाद क्या हुआ? इसका हम स्पंज बना रहे हैं जो है। तो ये दूध फाड़ने का पनीर निकला है? हाँ जी। अच्छा, पनीर से अब ये स्पंज रसगुल्ले बनाएंगे? स्पंज रसगुल्ले से कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बंगाली स्पंज रसगुल्ले। जी हाँ। और इसके अलावा और क्या क्या मिठाई बन सकती है इससे? रसमलाई बन सकती है, छेना पायस बन सकती है। छेना पायस? हाँ जी। मतलब और से कई आइटम है, सब बन सकती हैं जी। से काफी आइटम बनते हैं बंगाली में। हाँ जी। तो दोस्तों बंगाली मिठाई का जो मेन जो स्टेप है, पहला हाँ, पनीर तैयार किया था वो यही है। बंगाल की शान से आप समझ गए होंगे, ये और कोई नहीं वहाँ का रसगुल्ला है, जिसे कि वहाँ के खान सामे बड़े ही प्यार और शिद्दत से बनाते हैं। दोस्तों अभी आप जो रसगुल्ले देख रहे थे इसमें, वो हो गए हैं गायब, और यहाँ पे सब लोग हैरान है कि रसगुल्ले गए कहाँ। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद रसगुल्ले हैं कि नहीं है। दोस्तों देखो ये रसगुल्ले दोबारा प्रकट हो गए हैं अंदर से, और ये कैसे आ गए ये हमको भी नहीं पता और ये इन भैया को भी नहीं पता। दोस्तों अब देखो ये रसगुल्लों को पानी पिलाया जा रहा है ताकि पानी पी के वो थोड़े मोटे हो जाएं।
देखो ये कैसे खोलती हुई जो चाशनी है, पानी डालते ही एकदम शांत हो जाएगी और आप देख सकते हैं रसगुल्ले दिख रहे हैं। देखो दोस्तों दिख गए आपको रसगुल्ले, जैसे पानी डाला इसके अंदर और रसगुल्ले बाहर आ गए। ये अगले प्रोसेस के लिए गर्म पानी डाला है, जो रसगुल्ले कढ़ाई से निकलेंगे वो पहले गर्म पानी में जाएंगे, गर्म पानी में जाने के बाद फिर वो दोबारा इस चाशनी के अंदर जाएंगे। ये कढ़ाई से निकले के गर्म पानी में जा रहे हैं ताकि ये फ्लफीनेस और सॉफ्टनेस और जो स्पॉन्जीनेस है ये इस पानी की वजह से ही इसमें आती है। अब ये चाशनी जो है इस पानी में डाली जा रही है। दोस्तों इन्हें दबाए हैं और वापसी अपनी शेप में आ रहे हैं, इसी को कहते हैं स्पॉन्जीनेस और तभी इसका बोलते हैं स्पॉन्जी रसगुल्ला। अब हम जान चुके थे कि बंगाली रसगुल्ला किस प्रकार बनाया जाता है और इसके साथ साथ हमने वहाँ रसमलाई इत्यादि जैसी कई मिठाइयाँ बनती देखी। हीरा लाल एंड सन्स छोटा बाजार शादरा में 112 वर्ष से निरंतर बालूशाही बना रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कई जायके अपनी दुकान में जोड़े हैं और वो कुछ ऐसे खास जायके हैं कि जिनका स्वाद वहां जाकर खाकर ही लिया जा सकता है और जायके के शौकीन लोगों के लिए ये एक जन्नत की जैसी जगह है। हम ये जायकों का सफर यूं ही निरंतर चलाते रहेंगे और आपके लिए कुछ नए पुराने और लजीज जायकों की जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इसी वादे के साथ आपसे अनुमति लेते हुए इस श्रृंखला का समापन करते हैं। धन्यवाद।